हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप सो ये यूनिट थर्ड दा टॉपिक है सो मोस्ट प्रोबब्ली इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰam ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਲਈਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿੰਗ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਂਗ आर लिती डेन सो यदी एक्सिस के उ असी कोई भी पॉइंट पी कंसीडर किया सो इतने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया नाम रख दिया पी सो इस सर्कल का जो रेडियस है लैटस पोज दिस इज समॉल ए सो असी डायग्राम के मैनशन कर रहे सो आ वाला रेडियस कि ए और जो पी पॉइंट तो लैके सेंटर पॉइंट ओ तो लैके पी तक की जो डिस्टेंस है विच इज़ एक्स डन सो इस तरह करके अभी दो पॉइंट अभी कंसीडर कि लैटस पोज असी चूज़ किया समॉल एरिया विच इज़ ए बी हैविंग लैंथ डी एल सिमिलरली जिनका ए असी कंसिडर किया ए बी एरिया सिमिलरली सेम एकुअल एंड ओपोजिट असी कंसिडर किया ए डैश बी डैश अगर उपर वाले की लैंथ डी एल आता नीचे वाले की लेंथ भी सेम होएगी विच इज़ डी एल डैश डेन सो अं कंसिडर की आ दो पॉइंट्स मन लिया पॉइंट के सी पॉइंट सेंटर पॉइंट के पॉइंट सी पॉइंट ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸੀ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਸੋ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਸ ਡੀਬੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ نیچے ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚ ਇਸ डी बी सो यह मतलब डी बी डी बी जो मैगनैटिक फील्ड आदा इफेक्ट होएगा सो so, असी नाम लिख रहे हैं डी बी वैक्टर सिमिलरली दिस इज डी बी वैक्टर असं प्लस वन के चीज़ पढ़ के आए हुए कि जेदा आर रिजल्टेंट है डी बी आते दो कॉम्पोनेंट्स होंगे एक बेस कॉम्पोनेंट और एक प्रपेंडिकुलर प्रपेंडिकूलर तो ऑलवेज की बनता साइन थीटा और बेस से ऑलवेज़ की बनता है कोस थीटा डन हूँ ध्यान में देखो आ रहा थोड़ा डी दे बी डैश कोस थीटा एंड दिस इज़ डी बी साइन थीटा सिमिलरली नीचे वाले कॉम्पोनेंटा सो नीचे वाले कॉम्पोनेंट का भी सेम कोसथ थीटा और साइन थीटा आएगा सो दिस इज़ डी बी सॉरी उपर वाला डी बी है सो so, नीचे वाला की होएगा डी दे बी डैश कॉस थीटा और कॉम्पोनेंट भी सेम होएगा विच इज़ डी बी -sin θ ਹੁਣ ਦੇਖੋ sin θ sin θ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ cos θ ਇਕੁਵੈਲੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ ਕਿ 베이스 ਤੇ sin ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ cos ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ that is why ਤੁਹਾਡਾ sin θ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ एक्सएक्सिस बन रहा आ सो अदरवाइज़ ये कोयल दे बिल्कुल प्रपेंडूलर है इस करके इतने साइन थीटा बनेगा जो तो so, आ आख लो ध्यान आ सर्कुलर कोयल है ये बिल्कुल प्रपेंडिककूलर साइन थीटा बन रहा है डन सो कन्फ्यूज नहीं होना साइन थीटा तो नीचे आ गया साइन थीटा नीचे नहीं आया सो so, प्रपेंडिकुलर तो ही है डन सो हम ध्यान एक चीज़ होर समझो सो so, साडे को इदा करके बनया हो आ एक्सएक्सिस एक्सएक्सिस से साइनथीटा थीटा डैश ए डीबी आ और यी बी डैश थीटा सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन हूँ डीबी थीटा देखो डी बी थीटा उपर आ और डीबी डैश थीटा नीचे आ लेट अस सपोज दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज जेड डैश एक्सिस बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट दैट इज वाई बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर सो so, एक ही कॉम्पोनेंट डी बी का एक ही कॉम्पोनेंट बच जाएगा विच इज़ डी बी साइन थीटा इज दैट क्लीयर बच्चे दो कॉम्पोनेंट आन सुन लो डी बी के दो कॉम्पोनेंट्स आ डीबी कोस थीटा एंड डीबी साइन थीटा डीबी कोस थीटा डी बी डैश कोस थीटा के न कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इकुअल एंड ऑपोजिट ओनली डीबी साइन थीटा बच जाएगा सो so, असी जो तो कैलकुलेशन करनी है इंटीग्रेसन करनी ਡੀ ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬਾਈਟ ਸਰਵਿਟ ਲਾ ਬਾਈਟ ਸਰਵਿਟ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਡੀ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਆਈ ਡੀ ਐਲ sin theta divided by r square so this is the basic answer of bytesurvet law hun dhyan na dekho ਆਵਲਾ ਜੋ sin θ ਆ ਉਹ a sin θ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ a sin θ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਬੋਥ ਆਰ ਸੀਮ ਬੋਥ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਮ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ θ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ θ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ θ ਐਂਗਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ DB ਔਰ DB cos θ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਰ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਥੈਟ ਇਜ਼ θ ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ इस क्वायल करंट आई फ्लो हो रहा है इस डायरैक्शन ठीक है जी य मतलब थोड़ी इस डायरैक्शन इस डायरैक्शन कॉम्पोनेंट आई डी एल ध्यान न देखना ठीक है सिमिलरली मैगनैटिक फील्ड कॉम्पोनेंट है जो थोड़ा हम ध्यान न देखो जिदा मान लो थोड़ा आ कड़ा आ कड़े के उपर जो कोई पेन रख के देख लो अपना कड़ा चक लो अपना पेन रख के देख लो pen always ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2d ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਆ ਸੋ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨ ਉਹਦੇ এজ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋ ਪੈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ dv- dv- ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ a ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨ ਐਂਗਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਆ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਐਂਗਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ θ ਐਂਗਲ ਇਕਵਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਆ ਦੈਨ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ बी डी बी का आंसर किया्यूनोट ओवर फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्केयर वेयर थीटा इज इक्वस टू नाइनटी डिग्री साइन नाइनटी इक्वस टू वन सो असी आ वाली सैन नाइनटी की जगह पर की पुट कर दिता वन साइन नाइनटी वन पुट कर दिता सो so, सा को फाइनली डी बी का आंसर कि आ गया म्यूनोट ओवर फोर बाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्केयर सो दिस इज़ आर फस्ट इक्वेशन, सो फस्ट इक्वेशन बन गई हूँ ध्यान न एक छोटा जा पैरा लिखना पेगा थोड़ा सपोज अ समॉल एरिया एलीमेंट ए डैश बी डैश इज़ अ प्लेस पुरानी डायग्राम तो समझो ए डैश बी डैश इज़ प्लेस ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए बी ए बी दे बिल्कुल ऑपोजिट है दैन द मैगनैटिक फील्ड डी बी डैश इज़ द सेम एज दैट ऑफ डी बी जिन्ना डी बी होगा उन्ना ही था डी बी डैश होगा दैट इज़ वाई असं की लिख सकते हैं डी बी इज इक्व टू मैग्नीट्यूट ऑफ डी बी डैश दो मैगनीट्यूट भी की होएगी सेम होएगी देयर फोर द कॉम्पोनेंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलीमेंट ए बी एंड ए बी डैश एलोंग जेड एंड जेड एक्सिस आर कैंसल आउट विद ईच अदर दोनों की हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे यदा मतलब कोज ने कोज न कैंसल आउट कर दिता रहा गया साइन थीटा हम ध्यान ना देखो असी इंटीग्रेन कर लगियाँ मैगनैटिक फील्ड की सो मैगनैटिक फील्ड डी बी साइन थीटा दी इतन ना देखो बच्चे कन्फ्यूज नहीं होना डी बी साइन थीटा क्यों आया क्योंकि डी बी के दो आ। एक डी बी कोस थीटा और एक डी बी साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसल आउट ही हो गया बच ही गया मैगनैटिक फील्ड का एक ही कॉम्पोनेंट बच गया डी बी साइन थीटा दैट इज़ वाई असी मैग्नैटिक फील्ड पता करे so कॉम्पोनेंट so की इंटीग्रेशन करा डी बी थीटा द इज दैट क्लीयर सो वट इज़ डी बी डी बी दैल्यू कि म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई डी एर डिवाइड बाय आर स्केर सो असी इंटीग्रेशन पता करनी नाउ वट इज साइन थीटा हूँ ध्यान ना देखो साइन थीटा की होएगा साइन थीटा किल हों परपेंडिकुलर ओवर हाई पोटीन्यूअस व्हाट इज़ प्रपेंडीकूलर हम देखो ध्यान न असी आ वाला सी ओ पी छोटी जी ट्रायंगल चूज कर ली ठीक है आ छोटी जी ट्रायंगल चूज कर ली सो so, ध्यान देखो आपेंडिकूलर आदा मतलब नाइंटी डिग्री द एंगल आ दिस इज़ परपेंडिकुलर आई पोटीन्यूस और बेस सो प्रपेंडीकूलर की है थोड़ा ओ तो, तो लैके सी तक हाईपोटेनिउसा की आ सी तो लैके पी तक बेसिकली वैल्यूज़ कि लैके सी तक की थोड़ा रेडियस तो तो समॉल ए सी तो लैके पी तक सी लैके पी तक असी मान लिया कि ए इमेजनरी लाइना विच इज़ समॉल आर सो असी पुट कर दी थी समॉल आर हूँ ध्यान दो जो रिंग आ रिंग का रेडियस सूँ पता ए आ पॉइंट पी के ऊपर कोई चीज़ पई हुई है जिदी डिस्टेंस कि एक्स आ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ दैट इज़ वाई असी आह आर रिपलेस कर लगे सो सूँ पता है पाइथोगोरोस्थियोरम की कहें हाईपोटेन्यू स्केर इज इक्व टू ऊपरपैटिकुलर स्केयर प्लस बे स्केयर सो असी लिख स आर स्केयर इज इक्ुअस टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बच्चे आज स्टैप ध्यान ना समझियो इतने पाइथोग्यूरम लगाई आ सो आर दैल्यू आकेयर दूसरे पास चलिया जाएगा तो अंडर रूड बन जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर सो आ वाली आर की जगह पर असी की पुट कर लगे सो साइन थीटा का आंसर कि आ गया ए डिवाइडेड बाय आर दी की आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डन सो आह वाली साइन की वैल्यू असी इतन लगे सो फाइनली वी गैट डी बी इज इक्व टू क्लोज इंटेग्रल म्यू नॉट ओवर फोर बाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्केयर ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ sin θ ਸੀ sin θ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ a² a √a² x² ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ r ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਾਡਾ r ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ r ਕੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ r² ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ a² x² ਦੇ ਸੋ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ a² √ एक्सकेयर ठीक है अंडर रूट केई सी सो so, असी की इस आर भी रिप्लेस कर दिता सो वी गैट व्यू नॉट ओवर फोर बाई आई डी एल आर स्केर की वैल्यू कि ए स्केयर प्लस एक्सकेयर सो ए डिवाइड बाय ए ईस्केयर प्लस एक्सकेयर अंडर रूट नी वन बाय टू दॉम दिख सकते हैं न नाउ कंबाइन द पावर ऑफ दिस ਬੂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 1 ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨਾ 1/2 ਸੋ ਐਲਸੀਐਮ ਲੇਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3/2 ਸੋ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ক্লোਜ਼ਡ ਇੰਟੀਗਰਲ μ0/4π i dl ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ dl/ (e^2+x^2)^ थ्री बाय टू सो बेसिकली पी का आंसर आ चीज़ आ गई हूँ ध्यान दो म्यू नॉट ओवर फोर पाई इज अ कॉन्सटेंट आई करंट कॉन्सटेंट रेडियस भी कॉन्सटेंट ए मतलब रेडियस ऑरी इमेजनरी लाइन भी कॉन्सटेंट होएगी ठीक है सो so, आ सारी टर्मन अस बहर निकालता इंटीग्रेसन तो बाहर निकालता सो वी गैट आई डिवाइड बाय ई स्केयर प्लस एक्स स्केर दावर थ्री बाय टू सो इंटीग्रेसन के अंदर की बच गया इला dl ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੋ dl ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ স্মਲ ਏਰੀਆ dlc ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2πr ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ 2πr ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ r ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ a that is why ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2πa ਸੋ ਸਾਡਾ ਆ ਪੂਰੀ ਜਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 पाई ए ਡਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਅਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀਬੀ ਇਸ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਡੀਬੀ ਇਸ ਇਕਵਲਸ ਟੂ μ0 ఓవర్ 4 पाई ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ टू पाई आई ए स्केर डिवाइडेड बाई ए स्केर प्लस एक्स स्केयर द पावर थ्री बाय टू सो दिस इज द फाइनल आंसर नैक्सट की आज स्पैशल केस स्पैशल केस अगर पेपर पूछे जाने तद ही लिखने सो फस्ट स्पैशल केस की आ वैन पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मान लो आही वाला जो पी पॉइंट आई सर्कल दे बिल्कुल उपर ले जाके रख दिया यदा मतलब एक्सा उस टाइम खत्म हो जाएगा अगर एक्स खत्म हो गया मतलब एक्सन निगलैक्ट कर दो सो डी बी वैल्यू कि आ जाएगी यू नॉट ओवर फोर पाई टू पाई आई ए स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर दावर थ्री बाई टू 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 कैंसल यहाँ मतलब पावर कि रह जाएगा कला थ्री सो नैक्स स्टैप के कैंसल आउट कर दिता सो so, नी उपर वाला ए तो खत्म हो जाएगा नीचेगी कला ए बच जाएगा सो दिस इज योअर फाइनल नाओ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕੀਆ ਵਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਏ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਏ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਏ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਡੀਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ μ नॉट ਓਵਰ 4 π 2 ਪਾਈ ਆਈ ਏ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 ਅਗੇਨ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਸੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲਾ 3 ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਦ ਹੀ ਲਿਖਨੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ